दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आप लोग को एनटीपीसी में कम नंबर आ रहे हैं, जैसे 30, 40, 50 आ रहे हैं और आप लोग को ये लग रहा है कि जो है मेरा एनटीपीसी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद या रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का जो है 50 से नीचे नंबर आ रहा है तो कम नंबर आ रहा है। तो आप लोग ये सोच रहे हैं चलो एनटीपीसी तो ख़राब चला ही गया, लेकिन अब ग्रुप डी में जो है नंबर कैसे लाएँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका एनटीपीसी में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि जो किसी तरह जो ग्रुप डी में अच्छा मार्क्स लाएं। और हम इस वीडियो में आप लोग को ये बताएंगे कि जो आपको एनटीपीसी में क्यों कम नंबर आए और ग्रुप डी में क्या करिएगा जो है आप लोगों को जो नंबर अच्छा आएगा। बहुत लोग ये सोच ये जोर के रखे हैं कि चलो 50 नंबर आ जाएगा तो 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, तो 70 नंबर हो जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। क्या क्या गारंटी है कि जो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा? तो बहुत लोग हैं जो पूरे नॉर्मलाइजेशन के भरोसे बैठे हैं कि सिर्फ ये जोर के रखें कि 50 नंबर ही लाना है और 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, 70 नंबर आ जाएगा। तो ये आप लोगों की गलत फहमी है दोस्तों, इस गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि आप लोग एनटीपीसी का रिजल्ट आएगा उसमें ही आप लोग को पता चल जाएगा कितना किसका नॉर्मलाइजेशन बढ़ा इस बार, पहले उस बार की अपेक्षा जो है नॉर्मलाइजेशन उतना नहीं होगा। और नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो हार्ड शिफ्ट वाले का नॉर्मलाइजेशन होगा ना, सभी लोगों का नॉर्मलाइजेशन थोड़ी होगा। आप लोग 50 नंबर जोड़ के रखे हैं, 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन होगा। हम जितने बहुत लोगों से बात किए हैं तो बहुत लोग जो है इसी तरह से बात करते हैं कि 50 नंबर आएगा तो 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन कर ही देगा तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम देखिए, आप लोग ग्रुप डी के लिए जो है आप लोग कम से कम 60+ हमेशा रॉ मार्क्स लाने की कोशिश करिए। नॉर्मलाइजेशन जितना बढ़े वो उसकी मर्जी है, बढ़ाए ना बढ़ाए, आप लोग रॉ मार्क्स को ही इतना इंक्रीज कर लिए कि नॉर्मलाइजेशन का भरोसा करना, मतलब नॉर्मलाइजेशन के भरोसे जो बैठना वो गलत है। आप रॉ मार्क्स इंक्रीज करिए ना यार, नॉर्मलाइजेशन करेगा तब भी ना करेगा तब भी आपका रिजल्ट जरूर होगा। और हाँ दोस्तों, अभी जो है कृष्ण जन्माष्टमी का जो है आप लोग धुरीनाथ ऐप पर जो है विपिन सर का जो है स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसमें ग्रुप डी और एसएससी जीडी का जो है ऑफ़र चल रहा है। तो आप लोग जो है ये 31 अगस्त 12 बजे तक है, तो आप लोग ये ऑफ़र एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे प्रोसेस करिएगा। इस ऐप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग इसे ज़रूर परचेज करें। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग जो है ग्रुप डी में के जो मॉक टेस्ट होते हैं या जो भी है, जैसे भी हो, आपका नंबर 60 कम से कम देखिए 60 के एवज में आपको लाना ही पड़ेगा, तभी जो है आप रिजल्ट का आशा रख सकते हैं। और 40-50 लाने के बाद आपके ग्रुप डी में रिजल्ट हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि देखिए पढ़ने वाले लोग बहुत हैं और आप लोग फॉर्मों भी देख लिए हैं, 1,15,00,000 फॉर्म ही रहा है और 1,00,000 के एवज में सीट है। तो पढ़ने देखिए जो भी इतना टाइम मिला है, तो बहुत लोग ऐसा है कि जो सिर्फ परीक्षा एग्जाम डेट करते रह गए और जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, उनको ये पता है कि भाई एग्ज़ाम लेगा ही लेगा, इसलिए वो पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं तो उनका नंबर जो है अच्छा आ रहा है। लेकिन आप लोग जो है जो सिर्फ एग्ज़ाम कर रहे हैं और पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं डिमोटिवेट हो रहे हैं, काहे कर दिए डिमोटिवेट? 2 साल से आप लोग वेट कर रहे हैं यार, 2 साल से वेट कर रहे हैं तो कुछ दिन और करिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। जब एग्ज़ाम चालू हो गया है, एनटीपीसी का आपका हुआ है और इसके बाद जो है ग्रुप डी का भी होगा, तो आप लोग जो है ये ऐसा मत बोलिए कि जो एग्ज़ाम नहीं होगा कब होगा, ये उसके चक्कर में डीमोटिवेट नहीं होइए। आप अपने घर की स्थिति को देखिए कि मेरे घर की स्थिति क्या है, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा और इसी बीच एग्ज़ाम हो जाए और मेरा एग्ज़ाम नहीं अच्छा जाए, मेरी जॉब नहीं लगे, तो उसके बाद क्या कंडीशन रहेगी? आप लोग के मम्मी पापा कितना आशा लगाए हुए हैं कि जो इस बार जो है एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि देखिए सभी के मम्मी पापा जो है आशा लगाए, जैसे हम भी कोई एग्ज़ाम देने जाते तो पूछते थे कितना आएगा, कितना रिजल्ट होगा कि नहीं, रिजल्ट आता था तब पर भी पूछते कि रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो उस टाइम आपको नहीं बोलिएगा तो उनका जो है सीधे आकाश पे से ज़मीन पे वो गिरेंगे, तो इसलिए ऐसा स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने दीजिए, है ना। आप लोग जो है पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि जो एग्ज़ाम आप बोल रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है, तो देखिए आप लोगों ने 2-2.5 साल से कंटिन्यू पढ़ाई रखा है और आप नंबर अच्छा ला रहे हैं, और कुछ दिन अगर इधर छोड़िएगा ढीले करिएगा तो जो है आपका नंबर ख़राब आने लगेगा और आपकी जो 2-2.5 साल की मेहनत जो है वो बर्बाद चली जाएगी। देखिए उधर तो लॉकडाउन था, तो 2 साल जो है कोरोना की वजह से जो आधा साल दोनों साल में से ख़त्म हो गया, उसकी वजह से नहीं हो पाया,
और इधर जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम, फिर एसएससी का एग्ज़ाम, इस वजह से है। अब ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा ही होगा, और ग्रुप डी में आप लोग ये सोचिए कि एक ही एग्ज़ाम देना है, अगर उसमें आप पास कर गए तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, है ना। ग्रुप डी का ऐसा है कि एक एग्ज़ाम दीजिएगा और आप पास हो जाइएगा तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। बाकी सभी जैसे एनटीपीसी में हर एक कोई भी पोस्ट के लिए जो है डबल पीटी मेंस, उसके बाद टाइपिंग वाला पोस्ट में टाइपिंग रहेगा, साइको वाला में साइको रहेगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया तो चलिए कोई बात नहीं है, उसे छोड़ दीजिए, है ना। अब ग्रुप डी पे फोकस करिए कि ग्रुप डी में जो है कैसे मार्क्स हम अच्छा लाएँ। 30-40-50 से कुछ नहीं होने वाला है ना, गलत फहमी बिल्कुल मत रहिए, है ना। 40-50 वाले को जो है फिर वही रहेगा कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो भी गया तो मेरिट में छट जाएंगे, ये पक्की मतलब नौकरी नहीं हो पाएगी लास्ट तक, है ना। तो इसलिए जो है आप लोग कम से कम 60+ जो है मार्क्स लाने की कोशिश करिए, और आप लोग 70 लाइए, वो आप लोग के लिए काफ़ी सेफ रहेगा। तो हमारा जो है रॉ मार्क्स ग्रुप डी में 70 आया था, 86 आइटम था, 12 नेगेटिव था और रॉ मार्क्स 70 आया था। और एनटीपीसी में भी 70 है, लेकिन नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा जो है उस दिन कुछ मेंटली हरासमेंट हुआ था, जैसे मेरा मोबाइल सुबह में चोरी हो गया था घर जाने की वजह से, जिसका वजह से मेरा चैनल भी वो चला गया। तो उसके वजह से मैंने अटैम्प फालतू ज़्यादा कर दिया था, तो मेरा जो है नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया 70, लेकिन रॉ मार्क्स है 26 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में है। आप लोग कितना है वो कमेंट करिएगा। अब फाइनली बात करते हैं कि जो आप मार्क्स कैसे इंक्रीज करिएगा। तो देखिए आप जो है न्यू चीज पे ज़्यादा फोकस मत करिए, है ना। जिसे हो गया कोई करंट अफेयर्स ऐसा है कि करंट अफेयर्स आप चलिए ठीक है पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि चलो एक बार रिसेंट पढ़ लिया और अब दूसरा बुक ले आते हैं, फिर देखिए उसका लैंग्वेज जो है आपको अलग लगेगा और जल्दी याद नहीं होगा। दूसरा बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को बार बार रिवाइज करिए। देखिए लुसेंट आप पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ग्रुप डी के लिए लुसेंट और एसपीडी काफ़ी बेस्ट है, तो वही दोनों जो है बुक पढ़िए और उसी को रिवाइज करिए। और मैथ्स का भी कोई बुक ले लीजिए, हो ना यार, सब तो बहुत अच्छा है। तो सगीर अहमद या आर एस अग्रवाल, हम दोनों रखे हुए थे, तो दोनों से भी जो सवाल नहीं बनता था डायरेक्ट वो चैप्टर उलटाते थे और अपने खुद से बनाने की कोशिश करते थे। हाँ, और खुद से बनाने की कोशिश करिए, कोई भी जब मैथ्स आपसे रुकता है तो ये नहीं कि दौड़ के जो बनाते हैं या आपके टीचर हो चाहे आपके भाई हो जो जानते हैं उनसे पूछते हैं, तो ये नहीं कि एक बार मतलब नहीं बना और हम वहाँ चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, है ना। खुद से पहले बनाने की 3-4 बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर खुद से आप बना लीजिएगा तो वो जल्दी भूलिएगा नहीं, और जो है वो आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी सहायता होगा। तो आप लोग जो है पुरानी चीज़ों को जो है बार बार रिवाइज करते रहिए, न्यू चीज़ पर जो फोकस नहीं करिए। और हाँ, दूसरी बात है कि साइंस पे भी आप लोग साइंस देखिए, साइंस जो है अच्छी मतलब अच्छे नंबर रहते हैं साइंस के, 25-30 नंबर क्वेश्चन जो है आपको साइंस में देखने को मिलता है। तो साइंस पे भी अच्छा से फोकस करिए, साइंस के लिए भी आपके पास अगर 9th-10th का जो है बुक है उसमें से अपना कोस्का चैप्टर से जो है अच्छे से पूछता है, तो वो सब जो है पतला पतला तो रहता ही है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं चलिए कोई बात नहीं, लुसेंट को ही अच्छे तरीके से पढ़िए, और एस के झा सर का जो एक बुक आता है वो ले लीजिए, उससे भी पढ़िए, तो आपके मार्क्स जो है ज़रूर इंक्रीज होंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आपको रेगुलरिटी बनाए रखना है, ऐसा नहीं कि एक दिन आप पढ़ लिए चलिए, एक दिन 5 घंटा पढ़ लिए, 10 घंटा पढ़ लिए और दूसरा दिन 1 घंटा नहीं पढ़े, तो ऐसे में आपकी तैयारी नहीं बढ़ेगी, है ना। तो आपको रेगुलरिटी बनाए रखना है, कंपटीशन रेगुलरिटी मांगता है भाई, कंपटीशन रेगुलरिटी मांगता है, जब तक आप रेगुलर नहीं होइएगा। और वैसे भी कोई भी चीज़ में आप कोई कामें करने जाते हैं, चलिए माने कोई कामें सीखने के लिए जाते हैं, तो आप अगर रेगुलर नहीं रहिएगा तो वो चीज़ जल्दी आप सीख नहीं पाइएगा और अच्छे तरीके से सीख नहीं पाइएगा। वही बात इसमें अप्लाई होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो रेगुलर नहीं करते हैं तो चलिए एक दिन किए, 2-3 दिन छोड़ दिए, फिर अगला दिन किए तो आप भूल जाइएगा। तो दूसरा बात है कि आप रेगुलरिटी जो अच्छे से बनाए रखें, आप अगर रेगुलर रहिएगा तो आपके नंबर जो है इंक्रीज होगा। और मॉक टेस्ट भी लगाइए, प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, जो आपकी गलती होती है उस गलती को दूर करिए, जहाँ जहाँ गलतियाँ होती है उस गलती को दूर करिए, और गलती को दूर करिएगा तो आपका नंबर इंक्रीज होगा। और जहाँ जो गलती होता है उसे नोट कर लीजिए और उसे बार बार रिविजन करते रहिए ताकि दोबारा जो वो गलती ना हो, तो आपके मार्क्स जो है ज़रूर इंक्रीज हो गए। और उसके बाद मैथ रीजनिंग पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिए, 50 के एवरेज में मैथ रीजनिंग रहता है,
तो मैथ रीजनिंग में आप जितना ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपको 50 में 50 भी दे सकता है ये, अगर आपकी तैयारी अच्छी है। तो मैथ रीजनिंग पर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस आप लोगों को रहना चाहिए। डेली रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, और जो नहीं बनता है उसे किसी तरह बनाने की कोशिश करिए, और फार्मूला और जो आप लोग बार बार भूल जाते हैं उसे, या कोई क्वेश्चन रहता है इस मतलब कोई ट्रिक से बनता है तो उस ट्रिक को भी आप नोट कर लीजिए और बार बार उसे देखते रहिए। जो आपको अगर आप भूलते हैं तो एक बार देख लीजिएगा, और ब्रो आपका जो है एग्जाम में आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ट्रिक से आप लोग कोई क्वेश्चन देखे, कुछ क्वेश्चन ट्रिक से भी जानना जरूरी रहता है, उससे ये होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट होगा तो फिर आपका नंबर जो है अपने आप बढ़ेगा। टाइम मैनेजमेंट होता है तो लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो यही सब चीज़ जो है कि जो आप लोगों को ध्यान देना है, ये सब चीज़ पे आप अगर फोकस करते हैं तो आपके जो है नंबर जरूर बढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे, और आप लोग ग्रुप डी में सफल हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।